दोस्तों 2 सितंबर को भारत अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल करने वाला है। इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो भारत के इतिहास में शायद बेहद ही बड़ा कदम हो सकता है। इससे भारत की पहचान एक मजबूत देश के तौर पर बनेगी। साथ ही भारत एक बहुत ही बड़ी अंग्रेजी हुकूमत की निशानी को भी खत्म करने जा रहा है। और अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और अब अमेरिका ये बात खुलकर कह रहा है कि भारत की नौसेना से चीन को डरना चाहिए, यानी कि अमेरिका भी अब भारतीय नौसेना की बढ़ती क्षमता और सामर्थ्य को महसूस कर पा रही है। जानेंगे दोस्तों इन सारी खबरों को विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते हैं। दरअसल दोस्तों 2 सितंबर को INS विक्रांत को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल किया जाएगा। वहीं पर इसका अनावरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाने वाला है। ये भारत की बढ़ती क्षमता और सामर्थ्य का एक बहुत बड़ा पहचान है। साथ ही विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश भी दे रहा है। विश्व में बहुत कम ऐसे देश हैं जो कि एक बड़ा और सक्षम एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता रखते हैं, वह भी स्वदेशी रूप से, और भारत अब इन गिने चुने देशों में से एक है। साथ ही भारत यहीं पर नहीं रुकने वाला, भारत अपनी नौसेना की क्षमता को और ज्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन भारत अब जो एक नया कदम उठाने जा रहा है कि हम हमारे नौसेना के झंडे में से अंग्रेजी हुकूमत की निशानी को निकाल देंगे और भारतीय नौसेना को एक नया झंडा मिलने वाला है। ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि ऐसा करने से भारत न सिर्फ अंग्रेजों की निशानी को हटा रहा है बल्कि ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि एक अलग और आजाद देश के तौर पर भारत की पहचान पूरे विश्व में बने और अंग्रेजी हुकूमत की कोई भी निशानी एक आजाद और लोकतांत्रिक भारत में मौजूद नहीं होनी चाहिए, जो कि काफी अच्छा कदम है। दोस्तों यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर भारत इतने सालों बाद एक झंडे को क्यों बदलना चाहता है? आखिर ये केवल भारतीय नौसेना का झंडा है, इससे हमारे देश पर क्या फर्क पड़ता है? बजाय कि एक झंडे को बदलने के, हमें नौसेना को और ज्यादा अच्छे हथियार और युद्धपोत देने चाहिए। साथ ही हमें हमारे जवानों की सेहत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सारी बातें और दलीलें बिल्कुल सही है, लेकिन इस झंडे को बदलना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय नौसेना के झंडे पर सेंट जॉर्ज का लाल क्रॉस अंग्रेजी हुकूमत की निशानी है और एक आजाद और लोकतांत्रिक भारत की नौसेना किसी भी तरीके से अंग्रेजी निशान को लेकर नहीं चलना चाहिए। वहीं पर हमें इसे किसी भारतीय निशान से बदलना ही चाहिए ताकि भारतीय नौसेना के पास एक ऐसा झंडा हो जो कि भारत के कल्चर और ट्रेडिशन को दिखाता हो, साथ ही भारत की असली क्षमता का बखान भी करे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय नौसेना को हमें एक ऐसा झंडा देना चाहिए जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी हो, न कि ब्रिटिश हुकूमत से। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अमेरिका के बयान के बारे में कि चीन को अब सच में भारतीय नौसेना से डरना चाहिए, तो चलिए इस बात को समझते हैं कि आखिर भारतीय नौसेना ने अपनी क्षमता को किस हद तक बढ़ा दिया है और चीन भारत के सामने कहां ठहरता है। यहां पर हम बात केवल हिंद महासागर की करने वाले हैं। दोस्तों मौजूदा समय में चीन की नौसेना विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है। चीनी नौसेना के पास विश्व में सबसे ज्यादा युद्धपोत मौजूद है। वहीं पर इसके साथ ही सबमरीन के बेड़े में भी चीन काफी ज्यादा आगे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह भारत को हरा सकते हैं। चीजें इतनी आसान नहीं है कि सिर्फ संख्या को देखकर किसी देश की जीत और हार का फैसला किया जा सके। चीनी नौसेना के पास भारतीय नौसेना से ज्यादा युद्धपोत और सबमरीन मौजूद है, लेकिन इनकी तकनीक कितनी अच्छी है और कितनी नहीं, इस पर अभी भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। वहीं इसके साथ ही चीन के पास मौजूद युद्धपोत कितने ज्यादा सक्षम और विनाशकारी है, ये भी किसी को नहीं पता। हम सभी जानते हैं कि चीन अक्सर चोरी की गई तकनीक से अपने हथियारों का विकास करता है और कई बार ऐसी भी घटनाएं सामने आई है जिससे चीन के द्वारा बनाए गए हथियारों की बेकार क्वालिटी साफ तौर पर दुनिया के सामने आ गई है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना अपने ज्यादातर युद्धपोत स्वदेशी रूप से बनाती है। वहीं इसके साथ ही भारत के पास रूस, अमेरिका के साथ साथ और भी कई सारे देशों की तकनीक का समर्थन है, यानी जरूरत पड़ने पर भारत पूरे विश्व भर में सबसे अच्छी तकनीक को भारत के अंदर ला सकता है और इस्तेमाल भी कर सकता है। यानी भारत के पास जो तकनीक मौजूद है उसका मुकाबला चीन के साथ बिल्कुल नहीं है। तकनीक के मामले में भारतीय नौसेना चीन से कहीं ज्यादा ऊपर है। वहीं पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चीनी नौसेना भारतीय नौसेना से ज्यादा अच्छी है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर, लेकिन इन क्षेत्रों में भी भारत अब काफी तेजी से काम कर रहा है। तो देखा जाए तो भारतीय नौसेना के पास मौजूदा समय में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। वहीं इसके साथ ही भारत के पास 15 से भी ज्यादा सबमरीन मौजूद है और कई युद्धपोत मौजूद है। हिंद महासागर में भारत के पास अंडमान और निकोबार आइलैंड का भी समर्थन है। साथ ही होम बेस होने की वजह से युद्ध या किसी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में भारत को लॉजिस्टिक मेंटेनेंस में भी एडवांटेज है। दोस्तों यही वजह है कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय नौसेना हिंद महासागर में वाकई एक काफी शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है और चीन के द्वारा हिंद महासागर में भारत को हरा सकना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि अमेरिका ऐसे दावे कर रहा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।